हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 11th का एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, यानी आपका सिलेबस क्या है और किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका पैटर्न क्या है। तो दोनों चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे, पैटर्न के बारे में भी और सिलेबस के बारे में भी, और इस साल सिलेबस में क्या चेंज आया है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, और साथ ही कितना पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस पूरे चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट, तो टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आपका सेंटर कहाँ पे आएगा। आपने फॉर्म भर दिया होगा, अगर नहीं भरा है और लास्ट डेट से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। तो फॉर्म भरने के बाद आपको पता है आपका एडमिट कार्ड आएगा फॉर्म से लगभग एक मंथ पहले। अब बात करते हैं सेंटर कहाँ पर आएगा एग्ज़ाम का, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, जो सेंटर है ना वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो JNV होता है वही आपका जो सेंटर होता है, ठीक है ना। अगर डिस्ट्रिक्ट का JNV में सीट, अगर मान लो बच्चों ने बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट JNV में सेंटर ना होके वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में हो सकता है आपके, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के ही। तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो उस पर लिखा होगा सेंटर कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको कोई एक ऐसा ID प्रूफ लेके जाना है जो गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड है, यानी मेन आप दोस्तों आधार कार्ड अपना ले जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एडमिट कार्ड की भी आपको फोटो स्टेट जो है प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है, ठीक है, अपने सेंटर में। तो दोस्तों सेंटर कब होगा और थोड़ा आपको जनरल सी आपको जानकारी मिली है। बात करें मीडियम की, मीडियम दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जो एग्ज़ाम है हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, किसी और भाषा में होगा। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा बायलैंग्वल। बायलैंग्वल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, एक साइड क्वेश्चन हिंदी में लिखा होता है एक साइड इंग्लिश में। तो बायलैंग्वल आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो मेन बात है दोस्तों, एग्ज़ाम का पैटर्न यानी कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कितना क्वेश्चन आएगा। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2.5 आवर ड्यूरेशन फ्रॉम 11 AM टू 1:30 PM, ठीक है ना, 1:30 PM। यानी दोस्तों 11 बजे से 1:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल कितने घंटे बने, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। एंड विल हैव 5 सेक्शन, और इसमें 5 सेक्शन हैं, कौन कौन से वो भी आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शन होंगे, उन 4ों में से जो भी ऑप्शन सही है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड देर आर 100 क्वेश्चन इन ऑल 400 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा, यानी एक क्वेश्चन एक अंक का आपका होगा। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, फिर इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, ये 5 दोस्तों सब्जेक्ट आएंगे। हर एक के दोस्तों 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक टॉपिक मेंटल एबिलिटी भी 20 मार्क्स का, इंग्लिश भी 20 मार्क्स का, साइंस भी 20 मार्क्स की, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान भी 20 का, मैथमेटिक्स यानी गणित भी 20 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो ये दोस्तों आपका पूरा पैटर्न है कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो आपको दोस्तों जो OMR शीट भी दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ए सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल 5 सेक्शंस विल बी गिवन टू ईच कैंडिडेट, एडिशनल टाइम ऑफ 50 मिनट्स विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। यानी दोस्तों आपको एक पूरी की पूरी बुकलेट दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन पेपर, यानी एक पूरा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसी में 5ों सेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है इंग्लिश के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी, है ना, ऐसा नहीं होगा, सभी एक ही पेपर में होंगे, आपको पता है, सिंपल सी बात है। और जो 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसका अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसको 50 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, सिलेबस क्या होगा। देखो, सिलेबस फॉर द सिलेक्शन टेस्ट इज प्लेस्ड एज एन एक्सर ए स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है जो वुड बी एक्स्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी।
ठीक है ना। तो आपके पास दोस्तों क्या है, जो अभी सिलेबस है वो दिया हुआ है, वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसने कहा है स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन, यानी मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक से, मेंटल एबिलिटी से, इंग्लिश से, साइंस से, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस से, जो भी हम बात करके आए हैं। अब जो भी दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, अब आपको आंसर करने हैं। तो आंसर आपको कैसे करने होंगे दोस्तों, आपको एक अलग से ओमर शीट दी जाएगी, ठीक है ना। ओमर शीट में आपको थोड़ी सी डिटेल भरनी होती है, रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह, और उसमें दोस्तों 1 से लेके 100 तक एक काउंटिंग लिखी होती है, जिसके आगे 4 गोले लगे होते हैं ABCD करके। तो उनमें दोस्तों आपको आंसर भरना होता है, जो भी आपका सही है। देखो कैसे, ए सेपरेट ओमर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर आंसर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द ओमर शीट। तो ओमर शीट में दोस्तों 4 गोले लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन नंबर 24 के सामने 4 गोले होंगे ABCD, सभी क्वेश्चन में होंगे। लेकिन जो भी इन ABCD वाले ऑप्शन में से जो भी आपको ऑप्शन सही होगा, उस वाले को आपको डार्कन कर देना है, ब्लैक कर देना है, बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं करना जैसे गोला है टिक कर दी तो ये बिल्कुल गलत बात है, या आपने थोड़ा हाँ कर दिया ये भी गलत है, या आपने ऊपर ऊपर कर दिया ये भी गलत है। आपको पूरा डार्क करना होगा, ठीक है ना, पूरा डार्क करना होगा, तभी वो दोस्तों आपका अटेम्प्टेड माना जाएगा, अदरवाइज अनअटेम्प्टेड या गलत कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, आपको ब्लू ब्लैक पेन लेके जाना होता है, वहाँ पे पेंसिल का दोस्तों वहाँ पे नहीं आप ले जा सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाई चांस आपने कोई गलती से, जैसे 24 है, इसका आंसर ए था लेकिन आपने गलती से सी कर दिया, तो दोस्तों आप इसको हटा नहीं सकते, कोई भी मिटा नहीं सकते, या कोई भी वाइटनर वगैरह इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो आपने भर दिया वही रहेगा, अगर आप मिटाने की कोशिश करोगे तो आपका गलत कर दिया जाएगा, और दोस्तों ओमर शीट भी ख़राब हो सकती है, दूसरी शीट आपको नहीं दी जाएगी। तो एक बार जो आपने भर दिया ना, उसको रहने दो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हो सकता है उस टाइम आपको गलत लग रहा हो, बाद में पता चले कि वो तो सही था, तो आपको दोस्तों रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो भर के गलत नहीं करना है। अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, एक क्वेश्चन के लिए एक अंक मिलेगा, तो 100 क्वेश्चन 100 अंक आपके हो गए, 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। आपकी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब ये है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हो तो आपका जो उसके लिए 0 नंबर मिलेंगे, यानी कि नेगेटिव में नहीं कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग जहाँ पे होती है उसमें क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो 1 अंक मिलेगा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो 0 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन किया था पर वो गलत हो गया तो उसके अंक कटते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके अंक नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको सभी क्वेश्चन करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रीम के बारे में और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद कोई साइंस स्ट्रीम लेता है, कोई कॉमर्स, कोई ह्यूमैनिटीज, अलग अलग स्ट्रीम लेते हैं, तो उनका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होगा आपका। ऐसा नहीं है कि साइंस वालों के लिए अलग होगा, मैथ वालों के, नॉन मेडिकल, मेडिकल वालों के अलग होगा, कॉमर्स के लिए अलग, ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग, ऐसा नहीं है, एक ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया सब के लिए अलग है, एग्ज़ाम एक ही है सबका, सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है। वो कैसे, देखो, कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज 6 मार्क्स आउट ऑफ 20 एज पर NVS क्राइटेरिया इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। दोस्तों सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, आपके पास दोस्तों 5 सब्जेक्ट होंगे, हर सब्जेक्ट दोस्तों 20-20 मार्क्स का होगा, आपको पता है, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सामाजिक, तो हर एक में आपको कम से कम 6 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे, यानी कि 30 मार्क्स बन गए टोटल। लेकिन टोटल नहीं देखने, हर एक में 6 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम 6 होने चाहिए। अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में आपके 6 से कम हो गए, 5 हो गए, तो दोस्तों आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो मिनिमम आपको 6 मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में लेके आने ही पड़े, मिनिमम है ये, पासिंग नहीं है, मिनिमम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो किस अंकों के आधार पे बनेगी, वो आपकी 60 में से बनेगी, 100 में से नहीं बनेगी, 60 में से बनेगी। और 60 में से भी कैसे बनेगी, वो स्ट्रीम पे डिपेंड करेगा, वो 60 अंक कौन कौन से होंगे, यानी 60 यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20, किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स से दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और वो डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रीम पे। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ, ध्यान से समझना, अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, ठीक है ना, अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, साइंस के अंदर दोनों आ जाएंगी, मैथमेटिक्स वाली भी और बायोलॉजी वाली भी, यानी मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों। अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है तो आपकी जो 3 सब्जेक्ट हैं जिनके बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी, वो कौन कौन से हैं, मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स। मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के दोस्तों मार्क्स जो टोटल 60 बनेंगे, इन्हीं 60 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो जिसके इन तीनों में से ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका साइंस स्ट्रीम में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के 2 सब्जेक्ट बचे हैं, इंग्लिश और सोशल साइंस, उसमें भी मिनिमम आपको 6 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, 6-6 मार्क्स, ठीक है ना। कॉमर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीनों के जो 60 मार्क्स बनते हैं,
इनमें से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इन तीनों में आपको दोस्तों ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम चाहिए, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मार्क्स आपके इन तीनों में होंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन होंगे, मतलब कि पास होने के। तीसरा है ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स जिसको बोल देते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए दोस्तों मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, दो तो ये हो गए। और तीसरा दोस्तों, जैसे तीन सब्जेक्ट बचे हैं ना, साइंस बचा है, इंग्लिश बचा है और मैथ बचा है, इन तीनों में से जिसमें भी आपके हाईएस्ट होंगे, चाहे वो साइंस में हो, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में है, तो जिसमें भी होंगे वो एक सब्जेक्ट काउंट कर लिया जाएगा, और दो सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस, इन तीनों के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चौथा है वोकेशनल सब्जेक्ट। अगर कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लेना है, ये हर जेएनवी में नहीं मिलेगा, किसी किसी जेएनवी में होता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको मेंटल एबिलिटी के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, और जो बाकी चार सब्जेक्ट बचे हैं, साइंस, ठीक है ना, मैथ, इंग्लिश और सोशल साइंस, इन चारों में से भी जिस भी दो में आपके हाईएस्ट होंगे उन दो के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे, और एक मेंटल एबिलिटी, तो टोटल तीन सब्जेक्ट बन गए, तो 60 में से फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो मेंटल एबिलिटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और मेंटल एबिलिटी बहुत ही आसान भी होती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी किस बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और मिनिमम आपको 6 तो सभी में लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों, व्हेन द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर सिलेक्टिंग द कैंडिडेट प्रोविजनली, इन एडिशन टू सिलेक्शन कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ ऑफ 60 विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल। दोस्तों जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको पता है हर सब्जेक्ट में 6 से ऊपर मार्क्स तो लेने ही हैं, और जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है उसके अकॉर्डिंग आपके 60 में से मतलब कि कट ऑफ बनेगी। इसके अलावा अगर आप जनरल बॉय हो या ओबीसी बॉय हो, अगर आप बॉय हो जनरल या ओबीसी, तो आपको कम से कम 21 नंबर तो लेने पड़ेंगे दोस्तों 60 में से 21 मार्क्स तो आपके होने चाहिए। अगर 21 से कम हुए तो दोस्तों आप मेरिट से बाहर हो, ठीक है ना, फिर आपका सिलेक्शन होने के बिल्कुल भी चांस ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना, कम से कम इतने तो होने चाहिए। अगर आप जनरल या ओबीसी की गर्ल हो, फिर दोस्त फिर आपको कम से कम 20 मार्क्स लेने पड़ेंगे 60 में से, कम से कम है ये मिनिमम, यानी इससे कम है तो भूल जाओ, इससे ज़्यादा फिर कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग कैंडिडेट हो, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, कुछ भी हो, तब आपको कम से कम 18, ठीक है ना, तब आपको कम से कम 18, यानी 6 से 18, यानी कि हर सब्जेक्ट में 6 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। ये दोस्तों एस सी एस टी दिव्यांग के लिए है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी, हर सब्जेक्ट में 6 कट ऑफ बनेगी 60 में से, और उस 60 में से भी मिनिमम 21, 20 या 18 मार्क्स आएंगे, डिपेंड करेगा जो यहाँ पे लिखा है, जनरल बॉय हो या फिर गर्ल हो या एस सी एस टी जो भी हो आप, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एनवीएस रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑन नीड बेसिस। दोस्तों जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति है, वो बाद में भी अगर उनको जरूरत पड़े कुछ ऐसा करने की, तो वो क्राइटेरिया को हल्का फुल्का मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लो आपकी कट ऑफ बन रही है 60 में से, सीट बची है 1, लेकिन उसी सीट पे 1 से ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे 2 हैं या 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं उसी सीट पे, अब वो सीट उन दोनों में से किसको मिलेगी। अब दोनों के या तीनों के मार्क्स सेम है, मान लो सबके मार्क्स कितने हैं 40 हैं, 3 बच्चे हैं एक सीट पे, कोई एक चुना जाना है, लेकिन तीनों के मार्क्स 40 हैं, फिर उन तीनों में से किसको चूज करेंगे, क्योंकि तीनों के बराबर मार्क्स हैं। दोस्तों अगर उन तीनों में से जो भी फीमेल कैंडिडेट होगी उसको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है ना, मान लो 2 बच्चे हैं, 2 मान के चलता हूँ मैं फिलहाल, अगर दोनों में से एक बॉय हुआ और एक गर्ल हुई, तो गर्ल को दोस्तों सिलेक्शन मिल जाएगा, बॉय को नहीं मिलेगा सेम मार्क्स पे। लेकिन अगर दोनों बॉयज़ हुए फिर क्या होगा, या दोनों गर्ल्स हुई फिर क्या होगा, अगर दोनों बॉयज़ हुए या दोनों गर्ल्स हुए, यानी कि टाई अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तब दोस्तों जिस भी बच्चे के 40 में से ज़्यादा मार्क्स होंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी को छोड़ दो, बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचे, टोटल 60 है ना, तो मेंटल एबिलिटी छोड़ दो, बाकी जो 2 बचे, उन दोनों में जिसके मार्क्स ज़्यादा हुए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों में भी दोनों के सेम मार्क्स हैं फिर क्या होगा, तो अगर उन दोनों में भी सेम है, तब दोस्तों क्या करेंगे, जिस कैंडिडेट के 100 में से ज़्यादा मार्क्स होंगे, यानी 5 सब्जेक्ट को काउंट कर लिया जाएगा, 100 में से ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको दोस्तों क्या है, प्रेफर किया जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, और जिसके कम है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी दोनों के सेम हुए, 100 में से भी दोनों के सेम मार्क्स हुए, तब क्या करेंगे, अगर तब भी दोस्तों रिजोल्व नहीं हुआ यह मामला, तब जिस बच्चे की एज कम होगी उस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो लास्ट में ये काम किया जाएगा। और ऐसा तो बहुत ही कम चांस होंगे कि एज भी दोनों की सेम हो जाए, ठीक है ना,
तो ऐसा तो बहुत ही कम चांस होंगे, बाय चांस हो गया तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर जेएनवी वाले इसको करेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ जेएनवी वाइज स्ट्रीम्स फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स इन क्लास 9th। दोस्तों सीट्स की बात करें तो सीट्स है जो, देखो क्या लिखा है, जो यहाँ पे सीट है उसकी दे रखी है स्ट्रीम की, कि किस जेएनवी में कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है, लेकिन बच्चों की संख्या की अभी यहीं बात नहीं की है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स कितने हैं बच्चों की, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि अभी बच्चे क्लास 10th में है, तो वो सीट्स का कब पता चलेगा, जब 10th का रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम होने के बाद, और कुछ बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। अभी सीट्स के बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं होती है, तो जितनी भी सीट खाली होगी उसके बेस पर एडमिशन कर लिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ स्ट्रीम इन जेएनवीज फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स एंड अदर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स मे बी सीन एट एनेक्सर 2। दोस्तों अगर आपको वो देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी स्ट्रीम है, तो दोस्तों वो अलग से एक PDF डाली हुई है मैंने टेलीग्राम जो चैनल है अपना उसमें डाली हुई है, ठीक है ना। इसी प्रोस्पेक्टिस वाली PDF में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, आपका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। अब दोस्तों इस सिलेबस में खास बात क्या है, प्रोस्पेक्टिस में आपका इंग्लिश मीडियम में दिया था, लेकिन मैंने टाइप करके इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया है ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी की, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण की। दोस्तों मेंटल एबिलिटी में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, और सभी के सभी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा, तो टोटल अंक बने आपके 20, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, ये बात तो सही है। अब 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे किस टॉपिक से, टोटल दोस्तों आपके 10 टॉपिक हैं मेंटल एबिलिटी में। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, तो 2 × 10 = 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे। दो क्वेश्चन आपके पैटर्न कंप्लीशन के, यानी एक पैटर्न दिया होगा तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, यानी कि आपको चार आकृतियाँ दी होती हैं, तीन में कुछ ना कुछ बना होता है, चौथी खाली होती है, लेकिन जो तीन है वो किसी न किसी पैटर्न में होती है, वो पैटर्न आपको समझना होता है, और फिर चौथी आकृति में आपको बताना है कि उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सी आकृति आएगी। उसके बाद है फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये भी दोस्तों आपको क्या है, फिगर सीरीज दी होती है, ठीक है ना। फिगर अच्छा जो मैंने अभी बताया ये दोस्तों फिगर सीरीज वाला है, एक सीरीज दी होती है फिगर की, वो आपको बताना होता है क्या, यानी लगभग थोड़े थोड़े सेम है दोनों, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों आपको पैटर्न के टाइप जैसा एक सीरीज दी होती है फिगर्स की, तीन आकृति आपको दी होती है, तो चौथे पे आपको बताना है कौन सी आकृति आएगी। ज्योमेट्रिकली फिगर, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, इसमें क्या होता है, आपको कोई शेप दे दी जाएगी, जैसे आपको दोस्तों स्क्वेयर है, ठीक है ना, स्क्वेयर शेप है, लेकिन ये कटी हुई मिलेगी आपको, कुछ ऐसा करके, ऐसा कुछ करके मिलेगी, और फिर आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि यहाँ पे कौन सा पोर्शन आएगा जिससे फिगर कंप्लीट हो जाए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस प्रकार के दो क्वेश्चन आएंगे। मिरर इमेजिंग, जैसे मिरर इमेजिंग, जैसे दोस्तों ई है, ठीक है ना, ई कैसे पढ़ता है, इस ऐसे पढ़ता है, लेकिन उसकी जो मिरर इमेज होती है दोस्तों वो इस टाइप की होती है, तो मिरर इमेजिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ईजी होता है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। पंच्ड होल पैटर्न, पंच्ड होल पैटर्न भी दोस्तों ईजी होता है, आपके पास एक कागज होता है, वो क्या कहेंगे, इस कागज को मोड़ा गया पहले ऐसे, फिर हाफ और मोड़ा गया ऐसे, यानी इस टाइप का कागज मुड़ गया, बीच में अगर एक सर्कल यहाँ पे दोस्तों काट लिया गया, तो खोलने के बाद क्या होगा, एक सर्कल यहाँ पे आएगा और फिर दो सर्कल और यहाँ पे आएंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद कैलेंडर, समय और घड़ी, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेंगे कि अगर आज सोमवार है तो 25 दिन बाद क्या होगा, या किसी भी दिन को इतना ये डे था तो इस डे को क्या, मतलब कि कोई भी तारीख दे देंगे, 25 दिसंबर 2009 दे दी, तो इस दिन क्या दोस्तों दिन था, वो आपको पूछ लेंगे, है ना। एक टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं। इम्बेंडेड फिगर, इम्बेंडेड फिगर में क्या होता है, आपको एक फिगर दे देंगे, जैसे कि कुछ ऐसा दे दिया ऐसा, और चार आकृतियाँ नीचे आपको बनी हुई देगी, ठीक है ना, उन चारों में कुछ भी बना के दे देंगे, जैसे ऐसा कुछ करके, ठीक है ना, वो आपको बताना पड़ेगा कि जो ये वाली शेप है ना, उन चारों में से किस में छुपी हुई है, तो आपको ये ऐसा कुछ बताना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पे छिपी है, ऐसा इम्बेंडेड फिगर होगा, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों ऐसे पूछ लेंगे आपको, जैसे काओ को लिखती है 3, ठीक है ना, काओ को लिखा 3, काइट को लिखा 4, काइट को लिखा 4, तो मंकी को क्या लिखेंगे, ठीक है ना, तो मंकी को क्या लिखेंगे, तो ये नंबर ऑफ, मतलब एक कोडिंग है, ठीक है ना, काओ में 3 लेटर है तो इसको 3 लिख दिया, काइट में 4 है तो 4 लिख दिया, मंकी में 6 आए हैं तो ऑप्शन में 6 होगा, वो आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग और भी हो सकती है, जैसे वाटर को लिख दिया कुछ भी,
वाटर को लिख दिया दोस्तों ई एक्स वी वगैरह कुछ भी लिख दिया, तो दूसरे को क्या लिखेंगे। तो कोडिंग होती है ये, आपको क्या करना होता है, ए से लेके जेड तक है ना जो, ये 26 होते हैं, तो 26 के हिसाब से इनको लर्न कर लो कि वन पे कौन सा है। लर्न भी क्या आपको लग ही जाएगा, आप बना के भी देख सकते हो, तो कुछ इससे भी कोड पता चल जाते हैं ठीक है ना क्वेश्चन करते समय। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्शन एंड जो डिस्टेंस है आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यानी आपसे पूछ लेगा कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ की तरफ चला 4 किलोमीटर, फिर दोस्तों वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया 3 किलोमीटर, अब वो किस डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ठीक है ना। कितनी दूर है, तो 4 है 3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 5 आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा है स्पेस विजुअलाइजेशन, दृश्य आकृति निर्माण। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके पास कुछ शेप्स दी जाती है, जैसे ये दे दिया ठीक है ना, कुछ ऐसी शेप दे दी ठीक है ना, ये कुछ ऐसी शेप दे दी, एक और ऐसे कुछ दे दिया, तो इनको मिला के कुछ नई शेप बनानी होती है, और आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी शेप है इनको मिला के बनी है। कोई शेप ऐसी आपको दे देंगे ठीक है ना, तो ये भी बन सकती है, कोई शेप आपको ऐसी दे देंगे ठीक है ना, तो क्या ये बन सकती है, ये नहीं बन सकती, तो आपको छांटना है कि इन तीनों का यूज करके कौन सी शेप बनी है। तो इस प्रकार दो 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 क्वेश्चन आएंगे, सभी 10 टॉपिक्स में थे, तो 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे, बहुत ही ईजी होता है। उसके बाद हम दोस्तों करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की बात। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चन एक अंक का, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके आएंगे। तो जल्दी जल्दी सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। 10 मार्क्स का यहाँ पे रीडिंग स्किल आता है, और 10 मार्क्स के यहाँ पे ग्रामर आती है। रीडिंग स्किल में दोस्तों दो प्रकार के आपके दोस्तों पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं दोनों, एक डिस्कर्सिव होता है और एक केस बेस्ड पैसेज होता है। तो डिस्कर्सिव में दोस्तों थोड़ी आपको वोकैब भी मिलेगी, और केस बेस्ड में क्या होता है, कुछ दोस्तों डाटा वगैरह दिया होता है, आपको चार्ट वगैरह दिया होता है, उसके बेस पे आपको आंसर करने होते हैं, बहुत ही ईजी होता है ये भी दोस्तों। बल्कि ये मान के चलो केस बेस्ड पैसेज है, आपको डिस्कर्सिव पैसेज से आसान लगेगा। ग्रामर की बात करें, ग्रामर में आपके टेंस आते हैं, मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स बोल देते हैं इनको, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आती है। इसमें दोस्तों कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन डिटरमिनर्स, स्पेलिंग्स एंड सिंटैक्स, तो ये सब दोस्तों आपका ग्रामर का सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश का रहने वाला है। इसमें दोस्तों आपको एक्यूरेसी देखी जाती है आपकी, कि आपको स्पेलिंग्स की पहचान है या नहीं, आपको पंक्चुएशन की पहचान है या नहीं, आपकी जो ग्रामर है वो कैसे वो चेक की जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैथ की बात करें, गणित की, गणित में दोस्तों आपके टोटल वही 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, सभी 4 ऑप्शन वाले, एक अंक का एक क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स के टोटल 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहला दोस्तों जो इसमें मैथ आता है ना, जो आपका 10th क्लास में आपका मैथ है एनसीईआरटी वाला, वही सेम मैथ आता है। अगर आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर ली, तो सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से कर रखे हैं, 10th क्लास के कंसेप्ट समझे हुए हैं, फिर आपको एग्जाम क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एनसीईआरटी से तैयारी करोगे बहुत ही बेहतर रहेगा ठीक है ना। तो सर पहला चैप्टर दोस्तों है आपका रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। आपको पता है √3 √5 वगैरह, ये आपको पता है ना, इनको प्रूव करना ठीक है ना। तो वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है मैथ में। उसके बाद है पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। इसमें आपको जीरो निकालनी आनी चाहिए ठीक है ना, उनको जो जीरोस है या उनकी जो दोस्तों कोफिशियंट है वो कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच में संबंध है, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपोन ए ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा सी अपोन ए, तो क्या चक्कर है, सब आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर की रैखिक समीकरण वाले युग्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है ना। इसको अच्छे से कर लेना, इसमें मेथड दिए आपके, सब्सटीट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि ठीक है ना, और भी जो विधियाँ हैं मेन, तो ये दो विधियाँ हैं, इन दो को पढ़ लेना बहुत ही ईजी है, कोई भी एक आनी चाहिए आपको, तो सोल्व करना है बस ठीक है ना, इन दो को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना, इक्वेशन को सोल्व करने वाले, या कोई दोस्तों डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन दी जाए, क्वेश्चन दे देंगे, प्रॉब्लम दे देंगे, तो उसको दोस्तों पहले तो उसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, स्टेटमेंट समझ के फिर उसको सोल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यानी कि समांतर श्रेणियाँ, जिसमें भी दोस्तों 3 फॉर्मूले होते हैं, दो ही होते हैं, एक तो an का फॉर्मूला होता है ठीक है ना, और एक sn का फॉर्मूला होता है ठीक है ना, a प्लस एन माइनस के 1d ठीक है ना, और यहाँ पे इसके sn के कई फॉर्मूले होते हैं, एक तो a प्लस 2a प्लस एन माइनस के 1d और n बाय 2 ऐसा करके होता है ठीक है ना, तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ईजी चैप्टर है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है ना, निर्देशक ज्यामिति, इसमें दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो पहला आएगा इसमें ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ठीक है ना, ट्रायंगल में क्या आएगा दोस्तों, त्रिभुज आएगा। इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी इंग्लिश में भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे देखो
ठीक है। तो जितनी भी ये थ्योरम्स लिखी हुई हैं, इन थ्योरम्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, इन थ्योरम्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त, तो सर्कल से दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा, टेंजेंट वगैरह, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। इसके अंदर दोस्तों जो कई बार दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों आपका क्या क्या आएगा, पहला तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका परिचय, ट्रिग्नोमेट्री होते क्या है, ठीक है ना। आपको पता है इसमें कौन से ट्रायंगल की बात की जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है ना। और उसमें एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल की बात की जाती है। तो सभी एंगल जीरो से लेकर 90 डिग्री तक जो भी एंगल है, उन पर किस चीज़ की क्या वैल्यू है, साइन 30 की कितनी वैल्यू है, टेन 60 की कितनी वैल्यू है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर दोस्तों कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मेनली तो यही आएगी, लेकिन दो और होती हैं, एक टेन सेकेंड वाली और एक कोसेकेंड कोट वाली, उनको भी आपको पढ़ लेना है। फिर इसमें हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, हाइट एंड डिस्टेंस से दोस्तों क्वेश्चन आएगा। इसमें दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होना चाहिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है ना। 30 और 45 और 60, इन तीनों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। आपको पूछ लेंगे कि एक दोस्तों क्या है, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से नीचे का जो कोण बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट है वहाँ का 60 डिग्री है, इसकी हाइट निकालो, अगर ये वाली डिस्टेंस ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। मेंशुरेशन की बात करें क्षेत्रमिति से, इसमें दोस्तों दो टॉपिक बनते हैं, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपको पता है सब क्या क्या है, और एक है दोस्तों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दोनों बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। फिर आपकी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये दो चैप्टर ये हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सांख्यिकी की मैं बात करें दोस्तों, मीन, मीडियन, मोड यानी कि माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब आपको पूछे जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं साइंस का सिलेबस यानी कि विज्ञान का, दोस्तों विज्ञान में भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन एक अंक का होगा, तो 20 मार्क्स के आपके टोटल विज्ञान के क्वेश्चन बनेंगे। ये भी दोस्तों आपका 10th क्लास की जो NCERT है, 10th क्लास का ये दोस्तों सिलेबस आता है, तो साइंस की भी अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो अपनी क्लास की साइंस को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल में कौन कौन से आपके आएंगे, केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, नेचर एंड बिहेवियर, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार, यानी लगभग आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री में दोस्तों पहला आपका केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं, तो सभी अभिक्रियाएं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, जो भी है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सभी आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है ना, अपचयन, उपचयन, सभी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, अच्छे से इनको समझ लेना है, इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल जरूर कर लेने हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, ये भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, तो इसमें pH वैल्यू, ठीक है ना, इसके अंदर भी दोस्तों एक रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन वाली, उदासीनीकरण वाली, ठीक है। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, बेकिंग सोडा, इनके नाम पढ़ लेने हैं अच्छे से, ठीक है ना, आप प्रीवियस ईयर देख लेना पेपर, आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। फिर है कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड यानी कि कार्बन यौगिक, इसमें नेमिंग आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है ना, नेमिंग कैसे करते हैं, इथेनॉल, एल्कोहल वगैरह हो गए, कीटोन वगैरह हो गए, ठीक है ना, एल्कीन, एल्कोन, वो जो है एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, हैलोजन हो गया, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी में पहला है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम, ठीक है ना, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है ना, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पादपों में भी, जंतुओं में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जंतु और पादपों में नियंत्रण और समन्वय, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है दोस्तों रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। और एक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अनुवंशिकता और विकास, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, तो बायो के सभी चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिजिक्स की बात करें, सबसे पहला चैप्टर लाइट, ठीक है ना, यानी कि प्रकाश, लाइट एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो चीज़ें आती है इसमें, है ना, परावर्तन और अपवर्तन, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, लेंस के बारे में भी और जो मिरर है दर्पण के बारे में भी। इसके बाद है दोस्तों करंट के वाला, करंट वाला चैप्टर, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर है, करंट वाला। और एक बात और याद रखने दोस्तों, जो रिफ्रैक्शन है ना, इसमें आई वाला चैप्टर भी आ जाएगा, आई वाला, ठीक है ना, जो आई वाला चैप्टर है आपका, वो भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा है दोस्तों इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के प्रभाव, ठीक है ना, तो इसमें आपको पढ़ना है ओम का नियम, ठीक है ना,
प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में, पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है ना, जो सीरीज कम्बिनेशन, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट, तो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपको पढ़ना है, चुंबकीय प्रभाव भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग का नियम है आपके पास, फ्लेमिंग, ठीक है ना, बाएं हाथ का नियम है, तो एसी डीसी इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक आपका चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, ये भी आपको पढ़ लेना है, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। तो ये आपका साइंस का था। अब बात करते हैं दोस्तों सामाजिक की, सामाजिक विज्ञान, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे और एक क्वेश्चन एक अंक का, तो 20 मार्क्स का आपका एग्जाम हो, मतलब कि सोशल साइंस आएगी, चार ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। अब दोस्तों साइंस में इसमें सोशल साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, बाकी तो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में क्या है दोस्तों, हिस्ट्री ना ओल्ड हिस्ट्री आती है, बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, स्टेट बोर्ड्स होंगे, उनमें हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, लेकिन जो शुरू से चलती आ रही है ना हिस्ट्री, जो सीबीएसई में थी, वो वाली हिस्ट्री इसमें पूछी जाती है। तो हिस्ट्री में दोस्तों अगर आपके पास स्कूल में अलग हिस्ट्री है, तो आप इसकी ऑनलाइन ये जैसे भी करके दोस्तों बुक मंगवा सकते हो, ऑफलाइन में मिल जाएगी, तो वो हिस्ट्री आपको पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे पहला चैप्टर जो हिस्ट्री का वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण का युग। उसके अलावा चार क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के आपको करने हैं, और एक और जो है यहाँ पे वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड यानी मुद्रण संस्कृति तथा आधुनिक दुनिया। तो ये पाँच चैप्टर दोस्तों आपके हिस्ट्री के हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों भूगोल, ठीक है ना, भूगोल की बात करें, जियोग्राफी की, पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन तथा विकास। दूसरा आपका चैप्टर है दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव और यहाँ पे वन और वन्य जीव संसाधन। तीसरा है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। चौथा है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। पांचवा चैप्टर है दोस्तों आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी खनिज और ऊर्जा संसाधन। फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी विनिर्माण उद्योग। और सातवां दोस्तों जो आपका चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रेखाएं, जीवन रेखाएं, इसमें रेलवे के बारे में, ठीक है ना, आपका आएगा, साथ ही जो रोड सड़क है, वाटरवेज, एयरवेज, सभी चीज़ें आपकी आएंगी कम्युनिकेशन से लेकर, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है ना, लोकतंत्र, राजनीतिक, इसको सिविक्स भी बोल देते हैं। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। दूसरा है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जाति धर्म और लैंगिक मसले। फिर है चौथा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। पांचवा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। तो टोटल पाँच चैप्टर दोस्तों इसके हैं, सात किसके थे, भूगोल के ज़्यादा हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के। पहला चैप्टर है डेवलपमेंट यानी कि विकास। दूसरा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तीसरा है दोस्तों मनी एंड क्रेडिट यानी मुद्रा और साख। चौथा चैप्टर दोस्तों ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों जो नया सिलेबस है, आपको पता है थोड़ा सा सुधार हुआ सिलेबस में, जो नई पॉलिसी आई है, तो कुछ चैप्टर कटे हुए हैं, तो जो इसमें दिए हुए हैं बस आपको वही चैप्टर करने हैं, इन्हीं से दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया है, सिलेबस भी बता दिया, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो बैक करके, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात है जो मैंने छोड़ दी हो, आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को सिलेबस पता चल जाए और वो अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और आप भी दोस्तों तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से तैयारी करो, मेरे तरफ से बेस्ट विशेस हैं, तो आपको किसी भी हाल में दोस्तों सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए, जो मैंने भी आपको वीडियो बनाई है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसमें मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये चैनल के बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।